चंडीगढ़ से आ रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में एचकेआरएन के कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 8% की बढ़ोतरी आज से लागू होगी और पहली बार पूरा मिनिमम ब्याज जो है वो दिया गया। आज 8% की बढ़ोतरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे जो कौशल रोजगार के सभी भाई बहन हैं उनको आज इसका बड़ा लाभ मिलेगा और 1 जुलाई से ये इफेक्टेड होगा। जो 1 जुलाई ये आई है इससे उनको इसके अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और 8% की बढ़ोतरी। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम नायर सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी के द्वारा ये बयान दिया गया है। झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और किस तरह से भ्रम झूठ बोलकर फैलाया जा रहा है इसका भी जिक्र किया है सीएम सैनी ने। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस बगैर भ्रष्टाचार के कहीं उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी। वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और वो कभी भी कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान ले रहा है और गंभीरता से कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान भ्रष्टाचार को लेकर के ले रहा है और वो लोगों के बीच में झूठ बोल करके भ्रम की स्थिति फैला करके लोगों के अंदर बरगलाने का काम करते हैं। कांग्रेस अब भ्रष्टाचार में फंसी हुई एक दलदल है और लोग उसके ऊपर अब विश्वास नहीं करते। मैंने आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की 8% की बढ़ोतरी की है, पहली बार है कि हमारी सरकार के अंदर उनको पूरा मिनिमम वेज दिया गया है। पहले की सरकारों के अंदर ठेकेदारी प्रथा थी, कुछ पैसा किसी की जेब में चला जाता था, बाकी का बचा हुआ वो लेकर के बस घूमते रहते थे, वो परिवार का गुजारा भी नहीं कर। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये हिदायत सीएम की तरफ से दी गई है, कोई भी हो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सीएम सैनी ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी क्यों ना हो, अगर कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ कोई करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमने जितने रोड ये कांग्रेस के नेताओं को देखने चाहिए, नहीं तो करनाल से कांग्रेस के समय में दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लंबी समय की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काला चश्मा लगा करके चलते थे और काला चश्मा लगा करके चलते थे, उनको सड़क दिखाई नहीं देती थी, हर रोज एक्सीडेंट होते थे। 2014 के बाद हमने 4 लेनिंग बनाए, 8 लेनिंग बनाए, 14 लेन बनाया दिल्ली से लेकर के पानीपत तक। ये भी उसको समझना चाहिए, हमने लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है और भी सड़कें बन रही हैं। हरियाणा के हमने पिछले 10 वर्षों में हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझना चाहिए, वो उसको किसी की सुविधा से मतलब नहीं है, वो बापू बेटा लगे हुए हैं,
कि वही बेटे को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और उसके अंदर वो लगा हुआ है, परंतु कांग्रेस की हालत बड़ी खराब हो गई है। अब उसके पास कोई ना तो घास डाल रहा है ना कोई दाना डाल रहा है। आज मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जब अक्टूबर में चुनाव होंगे, एक तरफा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का आएगा, हम सारी सुविधाएं और लोगों के जीवन को सरल करने का काम निरंतर कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की समस्या अगर होती है तो हम उसकी समस्या को सुन करके उसका समाधान करने का काम कर रहे हैं, किसी को भी आचिंता नहीं है। और हम सभी के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। हमने पुलिस को भी ये हिदायत दी है कि अगर जिस प्रकार के अगर कोई गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अगर कोई इधर उधर की बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से हमारी पुलिस पेश आए। किसी भी व्यक्ति को बख्शने का सवाल नहीं है, चाहे वो कोई कितना बड़ा व्यक्ति उसके पीछे काम कर रहा हो, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय है। ये व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के कामों के अंदर मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।